क्वेश्चन पूछने इसको। कोविड अभी ज्यादा हो रहा है अपने भारत में, तो कैसे हैं आप पहले बताइए। बस ठीक है, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब लोग ठीक हैं? परिवार बस सब ठीक है जी। बताइए, कोविड की सिचुएशन काफी हाई हो गई है अपने भारत, तो उसके पास ऑक्सीजन भी नहीं है, बेड भी नहीं है, बेड भी नहीं है अपने मिल रहे हैं, ऑक्सीजन भी नहीं है, उसके क्या कहेगी? सिचुएशन तो सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है और शायद कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं था इस बात के लिए, क्योंकि सेकेंड वेव जो है वो बहुत ही भयावह है। पहले वेव में लोग फिर भी हल्के में ले रहे थे इस बात को, और शायद वो एक गलती थी। लेकिन अच्छी बात ये है कि अब सब लोग बहुत सतर्क हो गए हैं, और बहुत ज़रूरी भी है सतर्क रहना, बिकॉज कोविड की सिचुएशन सच में बुरी है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी मानसिक स्थिति को ठीक बनाए रखें, क्योंकि कोविड तो है ही, लेकिन अब उसके डर में हम अपनी ज़िंदगी को जीना भूल जाएं, वही बातें करते रहें नकारात्मक रूप की, और हम मुस्कुराना बंद कर दें, अपनों के साथ प्यार दिखाना बंद कर दें, तो ज़्यादा गलत होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ें दिल को अच्छी लगती है वो भी साथ ही साथ करें, क्योंकि इस फेज़ ने अगर हमें कुछ सिखाया है तो वो ये कि जो भी है बस एक यही पल है। आप क्या आने तक ठीक हो जाए शायद जी, आपके आने तक ठीक हो जाए कोविड की सिचुएशन थोड़ी। सॉरी मेरे आपके आने तक, हाँ सॉरी आपका मास्क नहीं था मुझे सुनाई, आपके आने तक सही हो जाए थोड़ा कोविड सिचुएशन। आई रियली होप एंड विश कि मेरे आने तक कोविड ठीक हो जाए, और मैं जैसे मैं बाहर जा रही हूँ और मेरे फैमिली मेम्बर्स मुझे लेके बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, मुझे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, वैसे ही मैं डर रही हूँ उन सबको यहाँ छोड़ के जाते हुए, विवेक को यहाँ छोड़ के जाते हुए, और मैंने भी उन्हें खूब सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। विवेक जी मिस करेंगे। बाकी के बच्चे मेरी बच्ची को सताए नहीं, बाकी के कीड़े मकोड़े जीव जंतु सांप कॉकरोच वो अच्छे से पेश आए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि उन्होंने बदतमीजी की मेरे बच्चे के साथ तो मैं अगले साल जाके सबको खा जाऊंगा। किसी कीड़े ने मुझे काटा तो उसे काट दूंगा, मैं अगले साल जाके बदला ले लूंगा। ओके, जीत के ही आने वाले हैं आप, मतलब 101%। आप दुआएं कीजिए और मैं कोशिश करूंगी। ये बहुत एडवेंचरस है और इनको डर नहीं लगता, हमने साथ में स्काई डाइविंग की थी, और जब हम प्लेन से कूदे थे तो मेरी शक्ल भयानक थी, बहुत डरावनी थी, और ये हंस रही थी मुस्कुरा रही थी, तो उसी वक्त हम मुझे लगा कि ये शी इज मेड फॉर खतरों के खिलाड़ी एंड शी शुड डू ऑल दैट। आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं आप लोगों को गर्व महसूस कराऊं और सबको अच्छा लगे मेरा वहां पे परफॉर्मेंस देख के। आई ट्राई माय बेस्ट। थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। मैं साथ में एक फोटो कर लेते हैं। रंगा जी उधर ही रुक जाइए साथ में। आप इधर आइए ना, ऊपर आइए ना, ऊपर आइए ना, ऊपर आइए। दिव्यंका जी तो हल्का सा मास्क। अरे मास्क में क्या हो रहा है? मैम इधर इधर। अरे मैडम सर आइए, सर आइए, मैडम जी यहाँ पे, मैडम जी यहाँ पर देखिए, मैडम जी इधर देखिए, सर से देखिए, सर के साथ में आ जाइए, सर के साथ मैं थोड़ा सा बात, अभी डाउन कर देंगे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं सर, थोड़ा पीछे चला जाना, यहाँ पे सामने 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 हम लोग हैंडल कर लेंगे सर, सामने सर, सामने देखिए सर, सामने इधर मैम यहाँ पर भी देखिए ना, मैम मैम यहाँ पे इधर मैम यहाँ पे सामने सामने मैम इधर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। नहीं नहीं दिव्यंका जी इधर आइए, और कुछ नहीं करना अभी लगा ऐसे 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 आगे बोला आगे दो तो इधर आइए ना, दिव्यंका जी मैम इधर आइए, साथ में घूम जाओ घूम जाओ ना अबे यार।
सर कैंडिडेट हो? नहीं बराबर थोड़ा टर्न हो जाइए ना पीछे क्या कर रहे तुम निकाल Bye, ma'am. 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 Bye,